राजधानी रांची के बाजार में प्याज के बढ़ते दाम ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बाजार में प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं सब्जी खरीदने आए ग्राहकों का कहना है कि अगर प्याज 100 रुपए किलो लगेंगे तो बाकी सब्जी कैसे खरीदेंगे। लोगों का कहना है कि हरी सब्जी को खरीदना अब मुश्किल हो गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में क्या प्याज के बढ़ते दाम सरकार की मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं? प्याज बहुत महंगा हो गया है, हम लोग को खाने में जैसे खरीदने में दिक्कत हो रहा है। हम तो कहेंगे कि कुछ सब्जी का दाम कम किया जाए कि गरीब जो है वो भी जीने और अमीर भी हो। वही चीज कहाँ बन रहा है सर, आधा किलो पावर ले जाते हैं तो बनता है, इतना महंगी हो गया है तो खाना तो नहीं बन रहा है। 100 रुपये के एगो खाली प्याजे हुआ तो और सामान कैसे खरीदा है। सरकार को कहेंगे कि सर बहुत महंगी बढ़ रहा है, महंगी घाटा कहाँ है, महंगी तो बढ़ रहा है। खरीदारी तो जितना जिनको लेना हो ले ही रहे हैं, इसमें महंगाई है ना, महंगाई का कुछ इसका अति नहीं है। प्याज सस्ता महंगा ये सब फसल पे होता है, इस बार अच्छा से फसल नहीं हुआ, सब जगह प्याज सड़ गया, खराब हो गया है, इसीलिए दाम बढ़ा हुआ है। रांची के जिला स्कूल में कुमार निपेंद्र नाथ सहदेव की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। राज्यपाल ने निपेंद्र नाथ सहदेव की फोटो पर माल्यार्पण किया। वहीं इस दौरान स्काउट गाइड्स के बच्चों ने नृत्य से लोगों का मन मोह लिया। बताते चले कि निपेंद्र नाथ सहदेव को महज 18 साल की उम्र में विश्व स्तरीय स्काउट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रांची के जिला स्कूल स्काउट्स के रूप में भारतीय कंटिजेंट में शामिल होकर वे 1947 में फ्रांस गए थे। वहां इंग्लैंड के राजा जॉर्ज सिक्स से द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया था उन्होंने। 1947 की बात है, वो यहां से जिला स्कूल के स्काउट के रूप में इंडियन टीम से फ्रांस माइजॉन में एक विश्व जम्बूरी हुई थी जिसमें 44,000 स्काउट गाइड भाग लिए थे और उसमें उनको विश्व का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड स्काउट का जो होता है बुशमैन थॉक्स उनको मिला था। वह भी वहाँ के जो किंग थे जॉर्ज सिक्स और क्वीन मैरी के हाथों मिला था। तो और ये विशेष क्या है कि इस बार नाइन्टीएथ उनका एनिवर्सरी है। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे लेकर अरगोड़ा चौक स्थित निगम पार्क में झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा विकलांग दिवस मनाया गया। कोशिश संस्था की संचालिका दीपा चौधरी ने बताया कि उन लोगों के द्वारा दिव्यांग जागरूकता सह मतदान जागरूकता कार्यक्रम एवं रैली निकाली गई। दिव्यांग लोगों द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, इस अवसर पर सिविल सोसाइटी को, स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों को, मीडिया के मित्रों को एवं समाज के हर तबके को एक संकल्प लेना चाहिए कि दिव्यांग व्यक्ति, दिव्यांग बच्चे हमारे समाज के अंग हैं, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने में हम सब सहयोग करें। मैं झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी और हम लोग पेरेंट्स लोग मिलकर कोशिश नाम से सेंटर चला रहे हैं। आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है और इसलिए हम लोग सभी लोग मिलकर अरगोड़ा निगम पार्क में एक वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज बच्चों लोग ने रैली निकाला और फिर सभी लोग ने एक नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं जिसमें कि दिव्यांग लोग ही उस नुक्कड़ नाटक को कर रहे हैं।